नेवर, ये पॉसिबल ही नहीं है। दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों के पास एटॉमिक बॉम्ब है, तो वो हमला कर ही नहीं सकता। सही हो गया, वो हमने अपनी फुफो की शादी के लिए नहीं रखे हुए। गीदड़ धमकियाँ तो इंडिया सारी ज़िंदगी देता भी है और हमेशा उसको मुँह की खानी पड़ी है। लास्ट टाइम पे भी देखें कि उन्होंने जो किए थी हमारी हदूद को क्रॉस करने की कोशिश की थी तो उनको मुँह की खानी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मरियम। मरियम, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो पाकिस्तान है, कैसी सिचुएशन चल रही है पूरे मुल्क के अंदर, उसको मद्देनजर रखते हुए वो लोग क्या कह रहे हैं कि एक फाइटर तैयारा जो कि 16 है वो इम्पोर्ट करने वाले हैं अमेरिका से, उसके पैसे कहाँ से आ गए हैं उनके पास? आई डोंट नो, IMF है और वही पैसे वो हमें देता है और फिर वो वापस ही ऐसे ही निकलवा लेता है अपने ये तैयारी वगैरह लेके, तो वो तो हमें किस्म का लोन आता भी है तो वापस चला जाता है उनके पास। सही हो गया। पाकिस्तान जो तैयारा इंपोर्ट तो कर रहा है अमेरिका से, ठीक है, उसके बावजूद अगर देखा जाए तो जो हिंदुस्तान है उसने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान को आपने ये तैयारा एक्सपोर्ट कर दिया तो पाकिस्तान हमारे पर हमला कर देगा, ऐसा हो सकता है? नेवर, ये पॉसिबल ही नहीं है। दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों के पास एटॉमिक बॉम्ब है, तो वो हमला कर ही नहीं सकता। सही हो गया, वो हमने अपनी फुफो की शादी के लिए नहीं रखे हुए एटॉमिक बॉम्ब। वैसे फुफो की शादी में होनी चाहिए जो भी है, पटाखे या बॉम्ब। ओके, तो अच्छा मुझे ये बताएं कि दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान है वो अमेरिका से कह रहे हैं कि अगर आपने ये तैयारा दे दिया पाकिस्तान को तो एक तो वो हमारे पे अटैक करेगा, दूसरा हम अमेरिका से साथ ट्रेड नहीं करेंगे। ये भी इम्पॉसिबल है। अब देखें उनकी इकॉनमी, उन्होंने UK को पीछे छोड़ दिया है, तो जब वो ट्रेड बंद कर देगा तो वो फिर इकोनॉमिकली वो इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब उनके पिछले दिनों ये चाइना के साथ कितनी थी या चाइना और उसकी USA की कितनी थी, पर वो ट्रेड बंद ही नहीं कर सकते, दोनों मुल्कों का नुकसान है। सही है। अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो जो इंडिया है वो हर चीज़ के अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन शो कर रहा है। रिसेंटली UN के अंदर वो गए हैं, ठीक है, जनरल असेंबली में, वहाँ पर उनको परमानेंट सीट देने की बात करी है, वो भी अमेरिका के थ्रू ही मिल रही है, और फिर वो बात करते हैं कि अमेरिका हमारे साथ बाइस्ड होकर नहीं चलता है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन इंडिया से चौक कह रहा है, ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर रहा है लोगों के माइंड में, क्योंकि वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो गया तो वो फिर इसीलिए वो उसकी पोजिशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गई है। पर चाइना हमारा दोस्त, हमारे साथ है, चाइना पर हमें फ़ख्र है, पाकिस्तानियों को चाइना नहीं ऐसा होने देगा। सही हो गया। तो इस तैयारे का फ़ायदा क्या, चले मुझे ये बताएं पाकिस्तान क्या करने वाला है इस तैयारे को परचेज करके? कुछ भी नहीं, पहले भी F-16 है तो पहले उनसे क्या कर लिया है जो इसका कर लेगा, एटॉमिक बॉम्ब पास हैं तो वो तो बस वैसे ही एक वो होता है, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं कि अपने डिफेंस सिस्टम को दिखाना होता है और कुछ नहीं है। ये दोनों मुल्क जो उनसे हैं, इनका बजट सारा ये डिफेंस ही खाई जा रही है, इनका हेल्थ सेक्टर का आप देख लें, एजुकेशन सेक्टर देख लें, उसमें 2 या 3% जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा, तो डिफेंस में सारा खाया जाता है। हालांकि इन दोनों को चाहिए डिफेंस कट ऑफ कर दें, दोनों के पास एटॉमिक बॉम्ब बन चुके हैं और कश्मीर को एज अ वो इंडिपेंडेंट टेरिटरी उसको डिक्लेयर करें, उस पर ना पाकिस्तान करे अपना हक जताए ना वो करे इंडिया करे, ठीक है, कश्मीरियों का हक है, उन्हें कश्मीर को आज़ादी दे दें और वो आराम से रहें ये दोनों ममालिक। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। सर मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो पाकिस्तान है वो इंपोर्ट करने की बात कर रहा है F-16 थंडर अमेरिका से, तो उसके पास पैसे कहाँ से आए हैं? पैसे तो सही बात है कि बजट आर्मी का एक बजट तो होता है, तो हालात कैसे भी हों तो हमारे दफाई इदारों को का जो बजट है और वो हमें पाकिस्तान के दफाई निज़ाम में जो दिन ब दिन देखें ना टेक्नोलॉजी का दौर है, तो उसके लिए जारी बात है इनका जो बजट होता है उसी में से उन्होंने अपना अरेंजमेंट किया होगा। सही है। तो दूसरी तरफ जो भारत है वो कह रहा है अमेरिका को, उसने धमकी दी है कि अगर आप F-16 थंडर पाकिस्तान को देते हो, वो परचेज करते हैं आपसे, तो हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे। देखें ये गीदड़ धमकियाँ तो इंडिया सारी ज़िंदगी देता भी है और हमेशा उसको मुँह की खानी पड़ी है। लास्ट टाइम पर भी देखें कि उन्होंने जो किए थी हमारी हदूद को क्रॉस करने की कोशिश की थी तो उनको मुंह की खानी पड़ी थी। जी बिल्कुल। तो इंशाल्लाह हमारा एक जज्बा है, हमारी आर्मी का जो मोराल है वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग है और वो दिन ब दिन हालात कैसे भी हों हम जो अपने दफाई जो बजट है उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर हमारे इदारे मजबूत हैं तो आई थिंक पाकिस्तान महफूज भी है, मुस्तहकम भी है। इसके लिए जो है ना आर्मी जो है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग करती रहती है और दिन ब दिन नए नए जो है ना वो कह लें कि हथियार वगैरह भी खरीदती है, ख़ुद से भी वो करती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में जो इंडिया को इंशाल्लाह मुँह की खानी पड़ेगी और मैं इस मामले में 100% श्योर हूँ कि हमारी आर्मी का एक मेयार है
तो एक तरफ हिंदुस्तान कह रहा है कि अगर आपने दे दिया F-16 थंडर तैयारा पाकिस्तान को तो वो हमारे पे हमला कर देगा, इसके बारे में वो क्या कहना है? देखें, पाकिस्तान कभी भी जो है ना जंग में पहल नहीं करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक पुरअमन कौम भी हैं और हमारी जो आर्मी है वो भी पुरअमन है, तो इंशाल्लाह हमारे से किसी को जो है ना वो हम अपनी ज़ात की हद तक तो अगर हमें कोई ईंट का जवाब पत्थर से ज़रूर देंगे, तो ये है कि हम पहल करने वालों में से नहीं हैं, हम पुरअमन लोग हैं और इंशाल्लाह ये पूरी दुनिया को मैसेज है कि अगर कोई हमारे साथ करेगा तो इंशाल्लाह हम उसका मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इमरान नजाका। इमरान, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो पाकिस्तान है वो F-16 फाइटर तैयारा जो है वो अमेरिका से परचेज करने की बात कर रहा है, तो उनके पास पैसे कहाँ से आए हैं? जी, ये तकरीबन अमेरिका से आएंगे, उनकी साजिश से ये सब कुछ चल रहा है, उस वजह से होगा ये कि उनका PMLN का है ना वो उनके ही गुलाम है, इस वजह से। सही हो गया। दूसरी तरफ बात यह है कि जो इंडिया है वो अमेरिका को धमकियां दे रहा है कि अगर आपने F-16 जो पाकिस्तान को दिया तो हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे। शायद हो सकता है कि फिर होगा, इंडिया का है ना मसला, डरते हैं उस वजह से। सही हो गया। तो इंडिया कहता है कि अगर आपने पाकिस्तान को F-16 दे दिया तो वो हमारे पे हमला कर देगा, तो क्या आप पाकिस्तान हमला करेगा ये तैयारा लेकर उनसे? शायद हो सकता है, कर सकते हैं हमला। तो इंडिया पे हमला हम क्यों करेंगे? हमारे पास तो पहले देखें, हमारी इकॉनमी इतनी ख़राब हुई पड़ी है। बस अगर वो के पाकिस्तान तो मन चाहता है, वो नहीं चाहते ना, हम तो कहते हैं ना बेहतर है इसमें। तो इसके मतलब के देखें, पाकिस्तान में पहले कैसी सिचुएशन है, तो इसके बावजूद हम इतना महंगा एक तैयारा इम्पोर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो आवाम की नहीं सोची हमारे जो लीडर्स हैं? बस लीडर को यही तो सोचना चाहिए ना आवाम के, इस वजह से अब मसलन खिलाफ का जो सिचुएशन है उस वजह सोचना चाहिए आवाम को, आवाम की खातिर। जी ओके, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अदनान खान। मोहम्मद अदनान, अदनान मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो पाकिस्तान है ना वो F-16 थंडर तैयारा जो है ना वो अमेरिका से परचेज करने की बात कर रहा है, तो उसके पास पैसे कहाँ से आ गए हैं? पैसे तो देखें, शहबाज शरीफ साहब के पास इतना पैसा जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। आप देख सकते हो उसके पास जो लंदन में उसके पास जो होटल्स हैं, फ्लैट्स, और पाकिस्तान में उसके पास जो इंडस्ट्रीज़ हैं। और दूसरी बात देखने चाहिए, उनको एक शर्म आनी चाहिए यार कि पहले बंदा घर में देखें। वो कहते हैं ना, घर में आटा नहीं थे अम्मा चक्की से गई हुई है, ये पंजाबी में कहावत है, कहते हैं पाँव उतने फैलाने चाहिए जितने चादर उतनी फैलानी चाहिए जितने आपके पाँव हैं। अब आप देख रहे हैं कि आपके मुल्क में ये सूरत हाल हुई कि गरीब आवाम के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है यार। सैलाब से मुतासरीन जो है बेचारे रोज़ाना बाहर कैंप पे रह रहे हैं, उनके पास घर नहीं है, कुछ खाने को नहीं है, कुछ पहनने को नहीं है, और आप जाके F-16 लेने की बात सोच रहे हैं। दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान है वो उनको धमकियाँ दे रहा है अमेरिका को कि हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे अगर आप पाकिस्तान को ये चीज़ देते हैं तो। देखिए, वो ना इनसिक्योर फील कर रहा है, वो ये समझिए कि अगर उन्होंने इसको दे दी थी हमसे ऊपर ना चले जाए, हमसे आगे ना निकल जाए। लेकिन वो जिस तरह USA ने भी कहा था कि हमारे दोनों के साथ ताल्लुकात बेहतर है, क्योंकि ये आजकल दौर ऐसा है कि हर किसी को ना बेशक पीठ पीछे जैसे हो लेकिन सामने उनको आपस में बना के रखनी चाहिए। सही है। और इंडिया का ये भी कहना है कि अगर F-16 थंडर पाकिस्तान को मिल जाए तो वो हमारे पे हमला कर देगा, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि हमने कभी भी शुरुआत नहीं की, एंड लाजमी किया, शुरू हमने नहीं किया। आप देख रहे हैं 1965 में भी इस तरह हुआ, 1973 में भी इस तरह उन्होंने किया, लेकिन एंड हम भी करके गए थे। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो पाकिस्तान है वो F-16 थंडर पर चेस कर रहा है अमेरिका से, उसके पास पैसे कहाँ से आ गए हैं? आवाम को देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी, ये तो मैंने भी यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, और मतलब मुझे ये समझ नहीं आती, मैं एक्चुअली यहाँ से हूँ नहीं, मैं इंग्लैंड से हूँ, और मैं यहाँ पे इस दफ़ा आई हूँ तो मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि यहाँ पे इतनी आवाम है जो कि बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ उनकी पूरी नहीं हो रही है, और इतने फ्लड्स आए हुए हैं, लोगों के इतने घर जो हैं वो तबाह हो गए हैं, और ये मतलब बजाय इसके कि ये मतलब मैं इंग्लैंड से, जैसे मैंने आपको बताया मैं आई हूँ, वहाँ पर हर किसी को एक साथ ट्रीट किया जाता है, वहाँ पर हर किसी के घर में सेंट्रली हीटिंग है, सब कुछ है। यहाँ पे लोग बेचारे, पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती है कि वो खाते कैसे हैं, मतलब बेसिक जैसे प्याज हो गया, ये उसकी कीमतें इतनी महंगी हैं। तो मेरे लिए ये सोचना कि ये F-16 कैसे परचेज कर रहे हैं, इट्स लाइक मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकती। सही है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो भारत है वो कह रहा है कि अगर आपने F-16 पाकिस्तान को दे दिया तो वो हमारे पे हमला कर देगा, पाकिस्तान इतना फ्री बैठा हुआ है हमला करने के लिए। हाँ जी, ये तो अब इंडिया और पाकिस्तान का आपको पता है शुरू से जो है वो एक
क्लैश है, और इंडिया जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसने अपनी इकोनॉमी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली है, एंड मतलब बाहर के मुल्कों में भी इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी आवाम को एजुकेशन की तरफ लेके आए, उनको इतनी एजुकेट करे कि वो भी हर मैदान में आगे जाएं। और अगर इंडिया ये थ्रेट कर रहा है तो मेरा ख्याल है कि वो बड़ी पोजीशन में है, उसकी इस टाइम पे इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, और वो कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच।